आज तक 12 लाख किसानों ने आत्महत्या की, उद्योगपति ने कितनी आत्महत्या की प्रश्न है। इसलिए आज जो ये सभा बुलाई थी, अभी ये आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया है। दूसरी बात है कि अभी आगे के लिए 8 राज्यों में हमारी डेट निश्चित हो गई है। 8 राज्यों में अभी सभा लग गई है। हमारा आंदोलन जब होगा दिल्ली में 25 फरवरी, 3 महीना बाकी है। 3 महीना आंदोलन के लिए बाकी है। 3 महीना में अभी 8 राज्यों में ये सभा है और भी अभी ये सभा होगी। अभी 3 महीना में कम से कम 20 या 22 राज्यों में सभा होगी और लोगों को जगाएंगे। और जब दिल्ली में सभा होगी तो हर राज्यों के किसान वहां आएंगे कि किसानों के खेती माल को खर्चा पर आधारित सही दाम मिले। और जो किसान खेती पर निर्भर है, उसकी उम्र 60 साल की हो गई, उनको पेंशन मिलना जरूरी है। एक इशू है। दूसरा है लोकपाल। ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ गई, ये लोकपाल को इन्होंने कमज़ोर कर दिया। 27 जुलाई में नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकपाल को कमज़ोर करने वाला एक बिल लाया, 27 को लोकसभा में रखा, एक दिन में पास किया, 28 को राज्यसभा में रखा, एक दिन में पास किया, चर्चा नहीं, और 29 तारीख को राष्ट्रपति की साइन किया और 3 दिन में लोकपाल को कमज़ोर करने वाला कानून लागू किया, 3 दिन में। और लोकपाल का कानून 6 साल हो गए नहीं होते। तो इधर तो हम सुनते हैं, बोलते हैं मन की बात। अरे मन की बात, मन साफ होना। अगर मन साफ है तो कमज़ोर क्यों कर रहे हैं लोकपाल को? भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना है तो लोकपाल को कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? इसलिए पूरे देश में अभी मैं घूमूंगा, पूरे देश के जनता को जगाऊंगा, आज़ादी की दूसरी लड़ाई समझकर ये लड़ाई लड़ेंगे। मनमोहन सिंह ने मैं कानून तो बनाया कमज़ोर करके, अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने उसका अमल करना था, उसके बजाय नरेंद्र मोदी ने पंत प्रधान विशेष अधिकार के नीचे एक बिल लाया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, वित्त विधेयक के जितने बिल आए हैं उसमें संशोधन किया। कितना? एक टाइम पर 40 संशोधन किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, उसको हटा दिया और उसके जगह पर कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को 7.5% नहीं, उनमें दिल में जितना लगता है उतना डोनेशन देना, ऐसा लाया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करना बोलते हैं और इधर जो भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाना है उसको आप खुले कर दिए। 23 को मेरा दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है, 23 मार्च, उस टाइम पर ये सब एक एक बात ये सरकार कैसी करप्शन को प्रोत्साहन दे रही है, ये मैं डेली लिखूंगा। इनके दिल में किसान नहीं है, किसान इनके दिल में उद्योगपति है। आज 22 साल में 12 लाख किसानों ने आत्महत्या किया देश में, कृषि प्रधान भारत देश में ये हालत है किसान की।
क्योंकि उसके खेती पैदावारी है उसको सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं खेती माल को सही दाम मिले। ऐसे जो किसान है जो खेती पर निर्भर है और जिसकी 60 साल की उम्र हो गई, अभी उसका उम्र ज़्यादा हो गया, ऐसे किसान को हर महीना में कम से कम 5,000 रुपया पेंशन क्यों नहीं दिया जाता है? ये जीएसटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उद्योगपति में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसान के प्रश्न पर इंटरेस्ट नहीं है। 3 साल मैं किसी के विरोध में बोला नहीं और 3 साल में 32 पत्र लिखे पंत प्रधान जी को, 32 पत्र, जवाब नहीं, एक भी जवाब नहीं देते। मैंने बताया हम अपने जीवन में अहिंसा के मार्ग से चल रहे हैं, अहिंसा वो गलत है ना, बंदूक से प्रश्न नहीं छूटेगा, बंदूक से प्रश्न बढ़ते जाते हैं, अहिंसा से जो प्रश्न छूटते हैं वो बंदूक से नहीं छूटेंगे। और अभी दिखाई क्या देता है, मनमोहन सिंह सरकार ने वो कानून को कमजोर कर दिया और नरेंद्र मोदी ने और कमजोर कर दिया, तो भ्रष्टाचार मुक्त का भारत कैसे निर्माण होगा? फोर्स संस्था, इन्होंने 18 महीना 1.5 साल संशोधन किया और उनके रिपोर्ट आ गया। अभी क्या रिपोर्ट है, भारत एशिया में भ्रष्टाचार में पहले क्रमांक पर है।